डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सहमे अन्य मरीज। स्वास्थ्य महकमे में लगातार लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जहां डॉक्टर को भगवान माना गया, वहीं इस तरह के घोर लापरवाही के मामले सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली जिले के एक प्राइवेट संजीवनी नर्सिंग होम का सामने आया, जहां एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराने गया तो डॉक्टरों के कहने पर अल्ट्रासाउंड के बाद डीएनसी कराने की हिदायत दी गई। पति की माने तो डीएनसी के दौरान ही पेट के अंदर कैंची का टुकड़ा या कोई अन्य औजार पेट के अंदर छूट गया, जो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट में दिखाई दिया, जिससे नाराज पीड़ित महिला के परिजनों ने आज अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर नर्सिंग होम पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। वहीं इस मामले में संजीवनी नर्सिंग होम संचालिका डॉक्टर कुसुम जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। ऑपरेशन के दौरान ही पेट में किसी औजार का टुकड़ा टूट गया, जो एक महीने बाद ऑपरेशन कर निकाल दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर क्या कार्यवाही करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे मामले निश्चित तौर पर मानवता को तार तार करने वाले हैं। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया तिनजिला, संवाददाता रायबरेली। मनोज कुमार, पूरे गोसाई भदैया महमूदपुर, तहसील तिरोई, जिला मेठी। क्या हुआ है आपके साथ? सर, हमारे वाइफ का प्रेगनेंट थी, जो अल्ट्रासाउंड के लिए बोले, दो दिन पहले आए थे तो बोले कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने बोले कि तुम्हारा बच्चा ख़राब हो चुका है, तो उसको सफाई करवाना है। तो हम लेके आए डीएनसी करते समय इनसे हथियार जो होता, कैंची वगैरह जो भी हो, तो टूट गया बोली, तो दोबारा फिर डीएनसी की है बेहोश करके, उसके बाद भी नहीं निकला। क्या क्या टूट गया, क्या है अंदर? कैंची है या कोई औजार है सर, उसमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है बरोबर सर। तो बोले कि हम इसको हम निकालेंगे, तो निकालने के लिए बोले चार दिन की दवा ले लो, चार दिन बाद हमें फिर बुलाएं। चार दिन बाद में फिर आया, तो फिर कोशिश की, बोले हम कोशिश किए हैं लेकिन निकला नहीं है सर। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर जब तक ये निकल नहीं रहा है, तो ये पूरी जिम्मेदारी नहीं कि हम ये प्रॉब्लम से, जब तक प्रॉब्लम से पेशेंट को निकालेंगे नहीं, तो हमारे पूर्ण रूप से जिम्मेदारी। किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है आपने? जी, किस हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन करवाया है? जी, संजीवनी हॉस्पिटल में सर। जी, संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर कुसुम जैन सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक इस प्रॉब्लम से निकाले ना, पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए हमारा पेशेंट, इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। बच्चे है आपका? मैम, आपके यहाँ भी एक ऑपरेशन के लिए कोई बवाल हो रहा है, पेशेंट कह रहा है पेट में कैंची छूट गई, क्या है पूरा मामला? कैंची? पेट का तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। बता रहे हैं कोई प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ था? डीएनसी हुई है। जी वही, क्या हुआ है पूरा मामला? डीएनसी हुई है, उसमें जो जिससे सफाई की जाती है, औजार का अंदर टुकड़ा हमको लगता है छूट गया, वाला टूट गया, ऐसा नहीं है, टूट गया। अब ये तो औजार होता है स्टील का बना हुआ होता है, अब कैसे टूट गया हम नहीं बता पाएंगे। और इनको मैं एक महीने बाद बुला रही हूँ कि उसको दोबारा डीएनसी करके निकाला जाएगा। ये प्रॉपर्टी की तरह ये समझ लीजिए, छोटा सा पीस है बच्चे रानी के अंदर, और दोबारा सफाई में ये निकलेगा। कब निकालेंगे आप इसको? एक महीने बाद बुला रही हूँ।